लीगल हेल्प डेस्क में आपका स्वागत है। मैं केशव चौधरी आज एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है ओपन प्रिजन। हम लोगों ने प्रिजन और जेल के बारे में काफ़ी बार सुना है, लेकिन ओपन प्रिजन का कॉन्सेप्ट मॉडर्न कॉन्सेप्ट है जो रिफॉर्मेटिव थ्योरी पे बेस्ड है। मॉडर्न टाइम में प्रिजन एज अ रिहैबिलिटेशन देखा जाता है। तो आज हम लोग ओपन प्रिजन से रिलेटेड जो क्रिमिनोलॉजी में इंपॉर्टेंट जानकारी है उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, आपको अपडेट मिलती रहेगी। ओपन प्रिजन का कॉन्सेप्ट समझने से पहले हम लोग ये जानते हैं जो प्रिजन या जेल होता क्या है। जेल या प्रिजन में जो रॉन्ग डूअर ऑफ द सोसाइटी हैं उनको एज अ पनिशमेंट एक कन्फाइंड एरिया में रखा जाता है, उन्हें सोसाइटी से कट ऑफ कर दिया जाता है, जो सोसाइटी में वो फिर दोबारा कोई गलत एक्टिविटी ना करें। पहले के टाइम में प्रिजन या जेल को एज अ पनिशमेंट देखा जाता था, लेकिन अभी के टाइम में, अभी का जो मॉडर्न टाइम है वो रिहैबिलिटेशन थ्योरी पे बेस्ड है, इसीलिए अभी प्रेजेंट टाइम में एज अ रिहैबिलिटेशन देखा जाता है। अब प्रिजन या जेल आप लोगों ने इंटरचेंजली यूज़ होते हुए देखा होगा, दोनों एक ही चीज़ है। मेनली दो तरह के जेल होते हैं, एक होता है कंट्रोल्ड जेल, एक होता है ओपन जेल। तो कंट्रोल्ड जेल में जैसे सेंट्रल जेल, जेल सब जेल, वुमेन्स जेल, स्पेशल जेल आते हैं, वहीं ओपन प्रिजन का कॉन्सेप्ट टोटली डिफरेंट है, और ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या होता है, कैदी को एक कन्फाइंड एरिया में विथ लेस स्ट्रिजेंट रूल में रखा जाता है और उन्हें फैसिलिटी होती है जो वो बाहर जाके अपनी कमाई कर सके, अपने फैमिली के साथ रह सके। तो ये एक टोटली मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। ओपन प्रिजन, जब हम कभी प्रिजन के बारे या जेल के बारे में सुनते हैं या सोचते हैं तो हमारे मन में एक तस्वीर सी तैयार होती है, जो दीवाल होंगे, दीवाल के अंदर लोग रहते हैं, उन सोसाइटी से उनका कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन मॉडर्न टाइम में ओपन प्रिजन का कॉन्सेप्ट एकदम न्यू कॉन्सेप्ट है, ये रिहैबिलिटेशन थ्योरी पे बेस्ड है। रिहैबिलिटेशन मतलब कैदियों में बदलाव लाना। एज अ पनिशमेंट हम लोग जेल को नहीं देखते हैं, अब हम लोग एज अ रिहैबिलिटेशन देखते हैं, जो हमें कैदी में बदलाव लाना। अगर आपने एक बार क्राइम कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं है जो आपको सेकंड अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाएगी। ओपन प्रिजन में एक तरह से सेकंड अपॉर्चुनिटी दी जाती है जो आप अपने फैमिली के साथ रह सकते हैं। ओपन प्रिजन में क्या होता है, जो यहाँ पे भी विद इन बाउंड्री लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ के जो रूल होते हैं वो इन द कंपेरिजन ऑफ जेल थोड़े कम होते हैं। यहाँ पे आप दिन डे टाइम में आप बाहर जा सकते हैं अर्न करने के लिए, अपनी फैमिली के साथ रह सकते हैं, या आप अपना फार्मिंग एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों की सुविधा यहाँ पे होती है। ओपन प्रिजन को हम लोग मिनिमम सिक्योरिटी प्रिजन या ओपन एयर कैंप्स भी कहते हैं। अभी पूरे वर्ल्ड में इस चीज़ को सपोर्ट किया जा रहा है। तो गवर्नमेंट का मेन फोकस ये रहता है, जो भी प्रिजनर हैं उनको रिफॉर्म कर दिया जाए, उनमें बदलाव आना चाहिए। इंडिया में प्रेजेंटली 17 राज्यों में ओपन प्रिजन चल रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा राजस्थान में है। राजस्थान में 29 ओपन प्रिजन अभी हैं जो इन वर्किंग हैं। यूनाइटेड नेशन का नाम हम आप सब लोगों ने सुना होगा। तो ये जो प्रिजन एज अ पनिशमेंट का जो प्रॉब्लम है, ये एक वर्ल्ड वाइड की प्रॉब्लम थी, तो इसके रिगार्डिंग यूनाइटेड नेशन ने एक अपना स्टैंडर्ड मिनिमम रूल बनाया, जिसके तहत प्रिजनर्स को कैसे ट्रीट किया जाए इसमें ये बताया गया है। तो इसको फेमसली नेल्सन मंडेला रूल्स कहते हैं। इसके तहत ये बात कही गई, जो प्रिजनर्स हैं या जो कैदी हैं उनको फिजिकल सिक्योरिटी देने के बदले जो सेल्फ डिसिप्लिन जो प्रिजनर्स हैं उनको उस पर रिलाई किया जाए, और इनके लिए कोई फिजिकल सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए, इन्हें फेवरेबल कंडीशन देनी चाहिए जिसमें ये रिहैब अपने आप में बदलाव ला सकें। इसके तहत इंडिया में भी ऑल इंडिया कमेटी ऑन जेल रिफॉर्म एक सेटअप की गई 1980 में, जिसके तहत ये रिकमेंड किया गया जो जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं सब जगह ओपन प्रिजन का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ओपन प्रिजन का कॉन्सेप्ट तो हम लोगों ने समझ लिया, लेकिन क्वेश्चन ये अराइज होता है, क्या किस ग्राउंड पे कंट्रोल्ड जेल से कैदी के ओपन प्रिजन में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। तो इसका कोई यूनिफॉर्म रूल नहीं है, हर एक स्टेट अपना रूल फ्रेम करती है, उनका अपना ग्राउंड होता है। लेकिन जो जनरल रूल है, जो भी प्रिजनर्स स्टेड 5 ईयर्स
इन कंट्रोल्ड जेल, मतलब 5 साल जो कोई भी कैदी जो कंट्रोल्ड जेल में बिता चुका है और उनका बिहेवियर अच्छा है तो उनको ओपन प्रिजन में ट्रांसफ़र किया जाता है। और याद रखने वाली ये बात है, जो ओपन प्रिजनर्स का प्रिजन का कॉन्सेप्ट अंडर ट्रायल प्रिजनर्स के लिए नहीं है। जिनका भी केस डिसाइड हो गया है, क्वांटम ऑफ सेंटेंस डिसाइड हो गया है, ओपन प्रिजन उन्हीं के लिए, 5 साल कम से कम वो जेल में बिता चुके हैं और उनका बिहेव अच्छा है। ओपन प्रिजन के में ही एक कॉन्सेप्ट आता है बंदी पंचायत सिस्टम, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बंदी पंचायत सिस्टम में क्या होता है, जो भी वहाँ पे जो कैदी होते हैं ओपन प्रिजन में, उन्हीं में से कुछ लोगों को छांट लिया जाता है। जैसे 5 लोगों को उनमें से सेलेक्ट किया गया और उन पे ये जिम्मेदारी दी जाती है, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है वो वही देखते हैं। जैसे टाइम पे रोल कॉल करना, कैदी जो बाहर जा रहा है कमाने के लिए वो टाइम पे वापस जेल आ रहा है कि नहीं, जो फार्मिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं वो किस तरह से इन्वॉल्व हैं, और किसी भी तरह के जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन होते हैं वो जो सिलेक्टेड प्रिजनर्स होते हैं उन्हीं के द्वारा देखा जाता है। ओपन प्रिजन एज अ रिफॉर्मेशन देखा जाता है कॉन्वेक्ट को। गवर्नमेंट थ्रू द ओपन प्रिजन एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है जिसके तहत उनको बदलने का मौका मिलता है, उनके उनको फैमिली के साथ रहने का मौका मिलता है। और ओपन प्रिजन का कॉन्सेप्ट बहुत ही सक्सेसफुल है इन कंपैरिजन ऑफ कंट्रोल्ड जेल्स। ये जो ओपन प्रिजन का कॉन्सेप्ट है, ये आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उसके द्वारा सपोर्ट किया जाता है। संजय दत्त जो आर्म्स एक्ट में जो जेल गए थे, उन्होंने भी जेल की कंडीशन को लेके अपनी आवाज़ उठाई थी। जो जेल की जो कंडीशन है उसमें बदलाव आनी चाहिए। यहाँ की नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने उन्होंने ये बताया, जो जो भी कन्विक्ट जो जेल में रहते हैं उनमें सुसाइड के चांसेस 50% बढ़ जाते हैं इन कंपैरिजन ऑफ आउटसाइडर्स। जो बाहर में रह रहे हैं, जो सोसाइटी में रह रहे हैं, उनके कंपैरिजन में 50% सुसाइड के चांसेस उनके बढ़ जाते हैं। सुसाइड रेट जो जनरल पब्लिक में जिसका जो रेशियो है वो 11 है पर 1 लैक्स में, लेकिन वहीं पे जो प्रिजन में जो सुसाइड रेट है वो है 17 1 लैक में। तो हम लोग ये कह सकते हैं जो सोसाइटी से कट ऑफ होने के बाद उनमें सुसाइड करने का रेशियो बढ़ जाता है, इसीलिए गवर्नमेंट की फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करती है जिससे वो अपनी फैमिली के साथ मिल सकें, अपनी फैमिली के साथ रह सकें। इसीलिए हमारे पास नंबर ऑफ ओपन जेल ज़्यादा होने चाहिए ईच एंड एवरी स्टेट में। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, और कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको ओपन प्रिजन में समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट करें, मैं उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।